दोस्तों आपको तो पता ही होगा, भारत की एक स्टेट कर्नाटका में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी बात न सिर्फ पूरे भारत में हो रही है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी खूब बात हो रही है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं कर्नाटका में हिजाब मुद्दे पर। दोस्तों आपने तो एक वीडियो में देखा ही होगा, एक मुस्लिम लड़की जब एक कॉलेज में जाती है तो उसे कुछ लड़के सैफरॉन शॉल पहनकर डराने और धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की नहीं डरती है और अपने कॉलेज में चली जाती है। दोस्तों बाद में ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने इसे फिलहाल अपने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा कि जो जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया जाए और किसी को भी रिलीजियस ड्रेस पहनकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या था इस पे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग मजहबों से थे लेकिन इस हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी में उन मुस्लिम बच्चियों का साथ दे रहे थे। और देखिए आपका कहने का मतलब ये है, जो ये चीज बोलते हैं कि कॉलेज में हिजाब या लड़की की जो इज्जत की जैसे चीजें कपड़े हैं वो ना ऐसा करें, तो क्या लड़कियां वहां पे आधे कपड़े हैं? आप लोग पढ़े लिखे या गीता पढ़ी है तो क्या गीता में ये चीज लिखी है कि आप लोग किसी औरत के लिए चाहे किसी भी मजहब की उसका आप इंसल्ट करो या उसकी आप बेइज्जती करो, वो अपनी इज्जत के लिए अपने अपने रिस्पेक्ट के लिए वो जो है जो भी काम करेगी अच्छे के लिए हम उसके साथ। छोटे छोटे कपड़े लगा के जब लड़कियां जो है अपने आप को जो है शो ऑफ करवाती हैं तब तो उस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं उठती, लेकिन अगर कोई अपने आप को सेफ या उसको अपनी जो है इज्जत को बचाने की कोशिश करे तो वहां पे मजहब का नाम किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जो औरत का जो इज्जत है वो सबसे पहले रखी गई है। हमारे हिंदू धर्म में भी जो लड़की का पहनावा है वो पूरा कवर होता है, वो पूरे दुपट्टे के साथ होता है, पूरे जो है अच्छे तरीके से जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है बराबर सनातन धर्म की तरह जो है उसको निभाया जाता है। तो अगर मुस्लिम धर्म में अगर उनकी लड़कियों की इज्जत जो है वो बुर्के में चाहे हिजाब में हो तो मैं कहना चाहता हूं तो इससे ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या यही लोगों को सिखाया है कि आप किसी के मजहब को गालियां दो, आप किसी के मजहब का मजाक बनाओ, आप किसी के मजहब को यहां पे खत्म करने की कोशिश करो? अगर कोई दूसरा मजहब अपनी हिफाजत के लिए काम करना चाहता है तो क्या भगवान श्री राम ने आपको लिख के दिया हुआ है कि आप लोग जो है उसके खिलाफ उसके नारे लगाओ? ये कहां का ये जो इंसाफ आप करने जा रहे हो? हिंदू मैं भी हूं, मैं भी मां बेटियों की जो है वो इज्जत करना जानता हूं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। थे दोस्तों आइए जानते हैं कि अलग अलग मजहबों में हिजाब या औरतों के बाल और अपने जिस्म ढकने के लिए क्या क्या कहा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की किताबों में हिजाब के लिए क्या कहा गया है? दोस्तों ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हाइवन नंबर 33 वॉल्यूम नंबर 19 दोस्तों उनमें औरतों से ये कहा गया है कि जब भी कोई आदमी आए तो उस वक्त अपनी आवाज को नीचे करे और अपने पूरे सिर को ढके और अपनी आवाज नीचे करे और अपनी नजरें भी नीचे करे। दोस्तों ऋग्वेद में बुक नंबर 10 हाइवन नंबर 85 वॉल्यूम नंबर 30 में ये कहा गया है कि सिर्फ औरतों के कपड़े अगर लगाने हो वो सिर्फ अपने हस्बैंड के सामने ही लगा सकती है और दूसरा कोई भी शख्स उस औरत पर अपनी नजर न डाल सकता है और न ही वो उसे कपड़े पहना सकता है। दोस्तों ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि आप अपने सिर को ढके और अपनी नजरें नीचे करें। दोस्तों ऋग्वेद में अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनना बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। दोस्तों न मर्द औरतों के कपड़े पहन सकता है और न औरत मर्दों के कपड़े पहन सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहता है ऋग्वेद में। इट्स मेंशनड इन द ऋग्वेद बुक नंबर 8 हाइमन 33 वॉल्यूम 19 व्हेन ब्रह्मा हैज मेड यू अ वुमन यू शुड लोअर योर गेज एंड should not look up, you should put your feet together and you should not reveal what garments and will conquer. दोस्तों इसी तरह ही बुक नंबर 10 हाइमन नंबर 85 वॉल्यूम नंबर 30 unlovely is the person is the husband who covers his thighs with the garment of the wife. further mentioned in Mahachitra act 2 page number 71 that when Purushottam comes Ram tells his wife Sita that it's your elder please lower your gaze and put on your veil. दोस्तों जब राम ने अपनी बीवी सीता से ये कहा कि पुरुषोत्तम आया है तो आप अपनी आवाज को नीचे करें, नजरों को नीचे करें और अपनी आवाज को अपने सिर पर दुपट्टा रखें। दोस्तों अगर आप कुछ हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़े तो उनमें भी जब आप गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगी जो पिक्चर्स वहाँ पे हमें मिलती है उससे यही साफ होता है कि उस वक्त भी औरतें अपने सिर पर कपड़ा रखती थी और अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती थी। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया है औरतों को हिजाब के मामले। दोस्तों क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स 27-28 यू हैव हर्ड दैट इट सेड डू नॉट कमिट एडल्ट्री बट आई टेल यू दैट एनीवन हु लुक्स एट द वुमन लस्टफुली हैज ऑलरेडी committed adultery with her is in her heart. Wearing of opposite sex clothes not allowed. दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि औरतों से आप अपने दिल में किसी के लिए किसी दूसरे गैर शख्स के लिए मोहब्बत पैदा ना करें। जब कोई मर्द एक औरत पर बार बार घूरता है तो उसका मतलब ये है कि उसके दिल में उस औरत के लिए कोई ख्वाहिश जाहिर हुई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अपोजिट सेक्स के कपड़े नहीं पहन सकती, यानी कि मर्द औरतों के कपड़े नहीं पहन सकता और औरतें मर्दों के लिए कपड़े नहीं पहन सकती। Deuteronomy chapter 22 verse 5 इसमें ये कहा गया है कि आप औरतों से ऐसे कपड़े पहने जो मर्द नहीं पहनते और औरतों से ये कहा गया है कि आप अपने पूरे जिस्म को बंद करें जिस तरह आपके रब ने आपको करने के लिए कहा है।
दोस्तों थियामनी चैप्टर 2 वर्स 9 एंड आई वांट वुमेन टू बी मॉडेस्ट इन देयर अपीयरेंस दे शुड वेयर डिसेंट एंड एप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड नॉट ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स बाय वे दे फिक्स देयर हेयर और बाय वेयरिंग गोल्ड और पर्ल्स और एक्सपेंसिव क्लोथ्स। दोस्तों इस वर्स में ये कहा गया है कि औरतों से कि आप कपड़ा एक सही ढंग से पहने और ऐसे कपड़े ना पहने जिससे आप दूसरों की अट्रैक्शन बन जाए, यानी कि ऐसे कपड़े पहने या ऐसे अपने बाल रखे जिससे आपका अट्रैक्शन दूसरा करे और ऐसे ज्वेलरी ना पहने। दोस्तों क्रिश्चियनिटी में पनिशमेंट का भी बात की गई है उन औरतों के लिए जो अपने कवर को हाइड नहीं करती। कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 5-6 बट एवरी वुमन दैट पेयर विद हर हेड अनकवर्ड डिसऑनर हर हेड फॉर व्हाट दे इवन ऑल वन ही इफ शी वेयर शेव। दोस्तों इसमें जो औरतों से ये कहा गया है कि अगर आप ऐसे कपड़े पहने जो आपके बाल खुले रखे तो आपको सीधा सजा देने का भी इसमें कहा गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि कुरान क्या कहता है हिजाब पे। दोस्तों अल अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 59 एंड टेल द बिलीविंग वुमन टू लोअर योर गेज़ फ्रॉम लुकिंग एट द फॉरबिडन थिंग्स एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट एंड डू नॉट शो ऑफ देयर अडॉर्नमेंट्स एक्सेप्ट ओनली टू व्हिच इज अपेरेंट लाइक पाम्स ऑफ हैंड्स और आईज और बोथ आईज फॉर नेसेसिटी सी द वे ऑफ आउटर ड्रेस लाइक व्हील ग्लव्स हेड कवर एप्रन एक्सेट्रा एंड टू ड्रॉ देयर व्हील्स ऑल ओवर द जयू बिहाना देयर बॉडी फेसेस नेक्स एंड बॉसम्स एंड डू नॉट रिवील देयर अडॉर्नमेंट एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स देयर फादर्स देयर हस्बैंड फादर्स देयर सन्स देयर husband's sons, their brothers or their brother's sons and their sister's sons or their Muslim women, their sisters in Islam or small children who have no sense of the shame of sex and let them to swamp their feet and reveal and what they hide from their adornments and beg Allah to forgive you your beliefs to be successful. दोस्तों उसमें इस वर्स में ये कहा गया है कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से छुपाएं, सिर्फ आप अपने चेहरे अपने हाथ और पैरों को ही खुला छोड़ सकते हैं और उन लोगों से ये बचने के लिए कहा गया है जो सिर्फ आपके और कोई रिश्तेदार हो, सिर्फ आप अपनी बॉडी अपने हस्बैंड के सामने डिस्क्लोज कर सकती है और उन औरतों के लिए सजा का भी इसमें कहा गया है, जो औरतें ऐसा नहीं करती उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।